सर नगर निगम कोई इतना कोई खास तो कार्य करता नहीं है, मतलब ऐसे गली मोहल्ले भी देख लो सफाई पाई का कोई ऐसा विशेष ध्यान नहीं रखा जाता है। गायों की हालत आप देखिए और उस कूड़े की हालत देखिए, नगर निगम पर पूरी जिम्मेदारी थी लेकिन नगर निगम पूरी तरीके से फेल होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। नहीं, हमने कई बार शिकायत की है, हमने कॉलोनी की भी शिकायत की है। वहाँ पे क्या है कि नाली के, मैं आपको दिखाता हूँ, अभी कीड़े इतने हो रहे हैं नाली में, बहुत ज़्यादा कीड़े हो रहे हैं और उनसे मच्छर भी पनप रहे हैं, लेकिन वो नाली की सफाई क्या होता है कि ऊपर ऊपर हो जाती है। देखना बहुत ज़रूरी है, जिन लोगों ने जिम्मेदारी दी थी नगर निगम को रुड़की की, साफ सफाई की, स्वच्छता की, उसमें फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। हम 15 दिन में एक बार सफाई हो जाएगी, कूड़ा ले जाएंगे फिर जो की तो स्थिति हो जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम हेमंत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। हम रुड़की के या आसपास के क्षेत्रों के विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करते रहे हैं। जो मुद्दा है बड़ा अहम है, ये देखिए गाय यहाँ पर चारा की जगह कूड़ा खा रही है। नगर निगम पर जो जिम्मेदारी लोगों ने दी थी रुड़की वासियों ने, उस पर नगर निगम पूरी तरीके से फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। हम पास से लेकर चलते हैं, आइए शिवम पास लेकर चलते हैं आपको और पास से दिखाने की कोशिश करते हैं। गौ माता पर, गाय पर इतनी सारी बातचीत भारतीय जनता पार्टी और उनके विधायक, उनके नेता हमेशा करते हैं, लेकिन यहाँ देखिए गायों की हालत आप देखिए और उस कूड़े की हालत देखिए। नगर निगम पर पूरी जिम्मेदारी थी लेकिन नगर निगम पूरी तरीके से फेल होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण भी यहाँ पर आ रहा है जिसमें फ़ोटोज़ हम देखते हैं, प्रत्येक दिन फोटोज़ फेसबुक पर डलते हैं स्वच्छता को लेकर, बड़ी बड़ी बातचीतों को लेकर, लेकिन यहाँ पर ये कूड़ा इस तरीके से फैला हुआ है। शिवम बिल्कुल दिखाइए आप लोगों को अवगत कराइए इस मुद्दे से, मुद्दा बड़ा अहम है रुड़की वासियों के लिए। देखना बहुत ज़रूरी है, जिन लोगों ने जिम्मेदारी दी थी नगर निगम को रुड़की की, साफ सफाई की, स्वच्छता की, उसमें फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ मौजूद है संजय कश्यप जी। संजय कश्यप जी यहीं के निवासी हैं, इस बारे में हमें बताएंगे सर, क्योंकि हो सकता है ये कूड़ा अभी पड़ा हो या कभी से। यहाँ के निवासी हैं संजय कश्यप जी, हमारे साथ हैं। सर ये कूड़े की स्थिति कब से ऐसी है? ये तो काफ़ी टाइम से ऐसे ही है, ऐसे ही पड़ा रहता है, कभी साफ़ हो जाता है लेकिन फिर 2 दिन बाद ऐसे ही हो जाता है और फिर वो कई दिन तक ऐसे ही पड़ा रहता है। गायें यहाँ पे भी ऐसे ही है, अंदर भी ऐसे ही घूमती रहती हैं। कुछ तो हमारे हिंदू भाइयों की कमी है, वो दूध निकालने के समय घर पर बुला लेते हैं और बाकी दिन में छोड़ देते हैं। लेकिन हमारे प्रशासन की भी कमी है, जो पन्नियाँ हैं ये इनकी प्रॉपर रोजाना सफाई होती रहे तो ये इस तरह के हालत ना हो। अब ये सारा कूड़ा करकट बाहर बिखरा पड़ा है और ये गायें खा रही हैं, ये हमें माता का दर्जा दे रखा है हमने, लेकिन हो क्या रहा है, ये गंदगी खा रही हैं, पन्नी खा रही हैं, अभी इनके पेट में जाके जम जाएगी, ये नुकसान किसे होगा? गाय ये मैं गोधन को नुकसान, ये बेसिकली मैं ये जानना चाहता हूँ कब से नहीं हुआ, कितना टाइम हो गया इसको करे हुए, या यहाँ के लोगों ने कभी शिकायत की हो नगर निगम में जाके कि इसको साफ करवाइए? नहीं, हमने कई बार शिकायत की है, हमने कॉलोनी की भी शिकायत की है। वहाँ पर क्या है कि नाली के, मैं आपको दिखाता हूँ, अभी कीड़े इतने हो रहे हैं नाली में, बहुत ज़्यादा कीड़े हो रहे हैं और उनसे मच्छर भी पनप रहे हैं, लेकिन वो नाली की सफाई क्या होता है कि ऊपर ऊपर हो जाती है, दिखाई के लिए ऊपर ऊपर हो जाती है, लेकिन वो जो नाली में मलबा जमा हुआ है वो साफ़ नहीं हो रहा, तो पानी निकलता नहीं, पानी जमा हो रहा है। और यहाँ पे भी ऐसे ही है, ये 15 दिन में एक बार सफाई हो जाएगी, कूड़ा ले जाएंगे फिर जो की तो स्थिति हो जाएगी। हाँ, रोज़ 15 दिन में एक बार सफाई होने से लाभ नहीं होता, लाभ तब होगा जब कंटिन्यू होती रहे सफाई। हमारे साथ संजय कश्यप जी थे, यहीं के निवासी, यहीं पे निवास करते हैं। उन्होंने बताया कि बहुत समय से ये कूड़ा इस तरीके से फैला हुआ है। हम लोगों से बातचीत इसलिए करते हैं कि ताकि अपनी राय हम खुद ना बनाएं, लोगों से बातचीत करें, क्योंकि कई बार क्या होता है कूड़ा पड़ा रहता है, साफ सफाई हो जाती है कुछ देर बाद, तो इन मुद्दों को आप ट्रेंडिंग में लाइए तभी रुड़की की सफाई होगी। जी हमारे साथ मैम है, यहीं की निवासी है और कूड़ा डालने के लिए आई थी। मैम चलिए कूड़ा तो यहाँ पर डाल दीजिए, लेकिन ये कब से नहीं उठा? सर हो गए इसे 5-6 दिन हो गए, हम भी देख रहे हैं ऐसे गंदगी मची रहती है यहाँ पे, तो ऐसे ही पड़ा रहता है, गाय वगैरह घूमती रहती हैं। अच्छा, नगर निगम में इतनी स्वच्छता संरक्षण की बात होती है तो नगर निगम को कितने नंबर? सर नगर निगम को इतना कोई खास तो कार्य करता नहीं है, मतलब ऐसे गली मोहल्ले भी देख लो सफाई पाई का कोई ऐसा विशेष ध्यान नहीं रखा जाता है। चलिए मैम थैंक यू, हमारे निवेदन पर आप रुकी, शुक्रिया आपका। नगर निगम पर जिम्मेदारी जो मिली थी, सर हमारे साथ मौजूद है, सर आजिए प्लीज़, इधर ही आजिए, बातचीत करते हैं इनसे भी, लोगों की राय बहुत जानना जरूरी, क्योंकि लोगों ने जिम्मेदारी दी थी नगर निगम को। सर इधर आ जाइए प्लीज़, स्वागत आपका द न्यूज़ वाला नेटवर्क में। सर ये कब से नहीं हुआ सर कूड़ा साफ? ये काफ़ी दिन हो गए जो है इस तरह से पड़ा हुआ जो है, और ये ठीक नहीं है वैसे तो जो है इस तरह से यहाँ पे लगाना जो है कूड़े का ढेर जो है, क्योंकि ये अगर समय समय से उठता रहे तो फिर इतना कूड़ा ना हो, क्योंकि ये बकेट भर जाती है और बकेट उठती नहीं है ये, ठीक है ना, और बकेट उठती रहे तो फिर ये नीचे ना कूड़ा। यहीं पे रहते हैं आप? यहीं पे क्वार्टर? यहीं कॉलोनी में ही घर है हमारा पीछे ही। अच्छा। और कितने समय से लगभग है ये? ये तो करीब दिवाली से पहले से ही है ये। नालियों में दिखाते हैं आपको, नालियों की क्या स्थिति है उसमें आप खुद देखना, आप कैमरे दिखाना कितने उसमें कीड़े हो रहे हैं और उनसे मच्छर पनप रहे हैं,
पानी प्रॉपर सफाई नहीं होती, उनके ऊपर ऊपर से साफ कर दिया लेकिन जो मलबा जमा हुआ है उससे पानी निकलता नहीं है और पानी वहाँ पे इकट्ठा हो रहा है और गंदगी वहाँ पे पनप रही है, मच्छर बनने बीमारी की जड़ होगी, बीमारी फैलेगी। तो इस तरफ हमने कई बार हमने शिकायत कर दी इस संबंध में, लेकिन क्या होता है कि हर बार ऊपर ऊपर से सफाई हो जाती है बस, और पानी निकलता ही नहीं, वो जो की स्थिति बनी रहती है। यहाँ के निवासियों ने अपनी राय रखी है, देखिए कूड़ा बिल्कुल सड़कों तक फैला हुआ है, गायें देखिए, गाय जिनका बहुत बड़ा महत्व है, जिन पे इतना सारा खर्चा सरकार करती है, लेकिन ये बिल्कुल गाय घूम रही है और पन्नी खाते हुए घूम रही है, इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए और यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं जिनको जिम्मेदारी मिली है रुड़की शहर की, उनको ध्यान देना चाहिए इन मुद्दों के ऊपर, नगर निगमों चाहे और कोई प्रतिनिधि हो उनको ध्यान देना चाहिए। जी ये यहीं के निवासी हमारे साथ आए हमारे निवेदन पर हमें देखकर, जी आइए इधर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संजय प्रसाद है और देखिए मैं, मेरा घर यहीं पर है बिल्कुल जस्ट बगल में, और हम लोग निरंतर ये प्रयास करते हैं कि गंगा मैया हमारे बिल्कुल बगल में बहती हैं और इनकी स्वच्छता बरकरार रहे। ये देखिए जो आपकी बिल्कुल मेन सड़क के पास में ये डस्टबिन रखे गए हैं, इससे आम जनता को तो परेशानी हो रही है, साथ में जितने यहाँ पे कमरे वाले हैं इन सबको भी परेशानी हमें झेलनी पड़ रही है। तो हमारी एक प्रार्थना है कि इस कूड़ेदान का कुछ नहीं, प्रार्थना क्यों कर रहे हैं आपने, जिम्मेदारी दी है लोगों, हमने जिम्मेदारी वाकई दी हुई है, लेकिन हमारी एक प्रार्थना ही है कि इसका कुछ आप लोग कीजिए सॉल्यूशन, कि आम जनता के साथ साथ हम लोग भी इससे प्रभावित ना हो, और क्योंकि ये कोरोना काल है जितनी स्वच्छता रहेगी ये आपके लिए और हम सबके लिए हितकारी होगी। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि इसका जल्द से जल्द कुछ निराकरण कर दिया जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया, लोगों ने अपनी राय रखी यहाँ पर इस मुद्दे को लेकर कि इसका निवारण होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना का टाइम है और गंगा माता का भी यहाँ पर जिक्र किया कि पास में बहती है, इसकी भी स्वच्छता बहुत ज़रूरी है इनको देखते हुए, और गाय का भी जिक्र है यहाँ पर, गाय इस वीडियो को आप ट्रेंडिंग में लाइए, जितने रुड़कीवासी इस वीडियो को ट्रेंडिंग में लाएंगे उतनी जल्दी आपके मुद्दे सॉल्व होंगे। ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें, शेयर ज़्यादा करें ताकि बात जिन जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदारी थी रुड़की की उन तक पहुँचे। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कैमरा पर्सन शिवम के साथ द न्यूज़ वाला नेटवर्क, धन्यवाद।